अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? दूसर नाम जौन लेला है हाँ भैया, तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो कमेंट, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो कमेंट, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नो कमेंट। कल पवन सिंह का प्रोड्यूसर निशांत के साथ जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे उनके इंटरव्यू हुआ वो काफी कामयाब रहा, लोगों को बहुत पसंद आया। और निशांत ने अब तक पवन सिंह से सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल जो पूछे हैं उस पर पवन सिंह ने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। लेकिन ये बेबाकी का सवाल और जवाब का जो सिलसिला था किसी को बड़ा ही नागवार गुजरा है, वो कोई और नहीं अक्षरा सिंह है। अक्षरा सिंह ने ये कहा कि मैं जब जब शांत हो जाती हूँ तब तब लोग झूठी बात बोलकर मुझे उकसा देते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस पे ये मेंशन किया, आप भी देख लीजिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि निशांत के कौन से सवाल पर पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के बारे में कुछ कहा। निशांत ने ये कहा कि रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह दोनों से आपके रिश्ते खराब हो चुके थे, लेकिन उनमें से रानी चटर्जी के साथ आपके रिश्ते अब बहुत अच्छे हैं। लेकिन अक्षरा सिंह के बारे में क्या आप फ्यूचर में उनके साथ काम करेंगे? तब पवन सिंह ने जो सवाल का जवाब दिया वो कुछ इस कदर दिया। रानी चटर्जी के मामले में तो वो बोले, लेकिन अक्षरा सिंह का नाम तक उन्होंने नहीं लिया और नो कमेंट कह दिया। यहाँ अक्षरा सिंह का बगैर नाम लिए पवन सिंह ने ये कह दिया कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। साथ ही साथ अपने उस चीज़ को भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, जब अक्षरा सिंह और उनके बीच विवाद चल रहा था तब पवन सिंह ने यहाँ भी अक्षरा सिंह का नाम नहीं लिया और कहा, एक वक्त मेरे लाइफ में ऐसा आया था जब मुझे लगा कि मैं टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा और फिर मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मेरे दोस्त दीपक ठाकुर ने मुझे ये कहा कि ये जो ज़िंदगी तुम्हारी है ये तुम्हारी नहीं है, और इस बात ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं फिर उठ खड़ा हुआ। तो ये था पवन सिंह का अक्षरा सिंह के लिए जवाब, और इस जवाब का यानी कि इस एक्शन का रिएक्शन अक्षरा सिंह ने भी दे दिया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टेटस पर। उन्होंने भी कहा कि पवन सिंह ने जो कहा वो झूठ है। अब भाई क्या सच है क्या झूठ है ये तो ये दोनों ही जाने, लेकिन हमारे सामने जो बातें आती हैं हम आपके सामने शेयर कर देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।